140 करोड़ जनता की जो मांग है हमारा भी वही मांग है। राहुल गांधी जी हैज टू टेक पोजीशन एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन। देश का हर नौजवान, देश का हर नागरिक चाहता है कि राहुल गांधी जी ही भिड़ सकते हैं, इनसे लड़ सकते हैं, देश की आवाज बन सकते हैं, तो जरूर हम चाहेंगे। एक सौ चालीस करोड़ जनता की जो मांग है हमारा भी वही मांग है। राहुल गांधी जी हैज टू टेक पोजीशन एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, क्योंकि ये 10 साल से नरेंद्र मोदी जी सरकार जो किसानों के खिलाफ आवाज़ उठाए, बेरोजगारी में धोखा दिए, ऐसे सब सारे जनता को जो धोखा दिए, ये सब सारे मौके पे राहुल गांधी जी ने जिम्मेदारी उठाए, ये किसानों के लिए, बेरोजगार युवा के लिए, महिलाओं के लिए राहुल गांधी लगातार लड़ते रहा है। तो इसीलिए आज के तारीख में आप लोगों को कोई शक, कोई सवाल करने का कोई आपको मौका भी नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कल संसदीय दल की बैठक में कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस जीत कर आई है आपके राज काबिले में, वहाँ भी हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लोग जान गए हैं, वहाँ पर भी आपके शासन में एक साल में भी आप लोगों ने मांग पूरी नहीं की, इसलिए मैंडेट दिया है। वो उनके पूरा आंकड़े पता नहीं होगा, तेलंगाना में उन लोगों को 4 थे, इस बार 8 मिले, पिछले बार हमको 3 था, इस बार 8 मिले, और असेंबलियों में भी हम लोगों को पिछले बार सरकार बनाया जब 64 असेंबलीज में हमको मेजॉरिटी आए थे, इस बार 64+1 असेंबली बाय इलेक्शन आए तो वो भी हम जीत लिया, अभी 65 हो गए, और पिछले बार असेंबली इलेक्शन में हमको 39.5 वोटिंग शेयर था, मिला था, इस बार 41% शेयर, वोटिंग शेयर मिले थे हमारे सरकार को। तो इसीलिए मोदी जी आपके जो प्रदेश से गलत आंकड़े आपको दिखा रहे आपके नेता लोग, गलत फहमी में मत पड़ो। और दूसरी बात रहा, महाराष्ट्र में आपके सरकार है, पर महाराष्ट्र में आपके हाल क्या हो गए? उत्तर प्रदेश में जहां पर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वाराणसी में कितना वोटिंग परसेंटेज मिले, कितना मेजॉरिटी मिले और कितना सीट मिले, इसका मतलब महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में मोदी जी सरकार के खिलाफ लोग कांग्रेस पार्टी को जिताए। तो जिम्मेदारी लेकर उत्तर प्रदेश में मोदी जी इस्तीफा देना चाहिए था, और इस बार मोदी गारंटी कहकर गए, मोदी गारंटी की वारंटी खत्म हो चुकी है, तो मोदी जी इस्तीफा दिए तो शोभा आएगा। सर 5 साल चलेगी गठबंधन की सरकार, ये प्रेडिक्शन नहीं, मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं ज्योतिष तो मैं जानता हूं नहीं, अभी खुद के पार्टी में क्या सवाल उठने वाले हैं, किसानों का सवाल क्या आने वाले है, विपक्ष के सवाल क्या आएंगे, उनके स्वपक्ष में जितने भी साथी लोग हैं एनडीए में, ये सब क्या होने वाले है अभी नहीं, अभी कुछ टाइम के बाद पता लगेगा। क्यों भाई, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, जो इंडिया अलायंस बैठ कर तय करेगा, तो इसीलिए इंडिया अलायंस में सब नेता लोग क्या सुझाव देंगे वो सुझाव लेकर कांग्रेस पार्टी आगे जाएंगे, कांग्रेस पार्टी अकेला कुछ डिसीजन नहीं लेते, इंडिया अलायंस सब नेता लोगों को बिठा के सबके साथ हम चर्चा कर लेके हम आगे कदम उठाएंगे। लेकिन अलायंस के कुछ दलों का ये कहना है कि नायडू और नीतीश के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अभी जो नेता कहा उन्हीं से वो सवाल पूछे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये सवाल अभी ये सवाल का जब मौका ही नहीं है, क्योंकि वो लोग सब एक साथ में बैठकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेटर भी दे चुके हैं, सरकार बनाने के लिए वो तैयारी हो जा रहे, तो ये विपक्ष जो नेता लोग जो कह रहा है वही नेता लोग कहना कि क्या हो रहा है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तीसरी बार, उनको बहुत बधाई, लेकिन हमारे लिए अभी सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि देश भर में जो नीट में धांधली हुई है और स्टूडेंट के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, और लगातार चाहे पहला कार्यकाल हो, दूसरा कार्यकाल हो या तीसरा कार्यकाल हो, इस देश में नौजवानों का भविष्य खतरे में है, अंधकार में है, तो मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी इन चीजों पर जल्द से जल्द जो है त्वरित कार्रवाई करेंगे, 30 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली हैं, उनको भरने का काम करेंगे,
और बार बार जो पेपर लीक हो रहा है, प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, उस पर कोई ठोस कानून बनाया जाएगा और बड़े पैमाने पे देश में जो बेरोजगारी है सबसे ज्यादा उस पर जो है कोई नई नीति लाई जाएगी, लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और अभी जो तुरंत का मामला है, आपने देखा होगा नीट एग्जाम के रिजल्ट के बाद कई स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की है, एक घंटे में 2 से ज्यादा नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये एक युवा देश के लिए, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, सबसे चिंता की बात है। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनको बधाई, लेकिन वो युवाओं और विद्यार्थियों के सपनों को जो आज तोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से उनके भविष्य खिलवाड़ किया जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई की हम उम्मीद करते हैं। राहुल जी के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि आपके कई सांसद जो है वो ये कह रहे हैं कि अब उन्हें नेता विपक्ष का जो है वो संभालना चाहिए। अच्छा, वो तो मीटिंग है, CWC की मीटिंग है, CPP की मीटिंग में तय किया जाएगा। हाँ, उसकी अपनी एक प्रक्रिया है। आप क्या सोचते हैं कि उनको अब देखिए, पार्टी को एक प्रक्रिया के तहत पार्टी चलती है और चलना भी चाहिए, तो भी बैठकों में तय हो। एक इक्वल लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड चुनाव में सभी पार्टी को मिलना चाहिए। आप जानते हो कि बहुत सारी मुश्किलें कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के लिए की हुई थी, एक और हर्डल्स और दिक्कतें और दूसरी और सारी सुविधाएं थी, उसके बीच में जो नतीजे आए हैं वो ऐसे कोई कॉमन इलेक्शन नहीं था। और इस चुनाव में अगर किसी ने सबसे ज्यादा, आप भारत जोड़ो यात्रा से लेके मेहनत कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी की है, मैं जरूर जरूर देश का हर नौजवान, देश का हर नागरिक चाहता है कि राहुल गांधी जी ही भिड़ सकते हैं, इनसे लड़ सकते हैं, देश की आवाज बन सकते हैं, तो जरूर हम चाहेंगे। तीसरी बार कल शपथ है मोदी जी की, आप लोग कह रहे हैं एनडीए का मतलब नीतीश डिपेंडेंट अलायंस और नायडू डेवलपमेंट अलायंस, एनडीए की परिभाषा वो प्राइम मिनिस्टर रावत की है कि न्यू डेवलपमेंट इंडिया और न्यू डेवलपमेंट अलायंस। देखिए, मैं देश की जनता का धन्यवाद करता हूं कि इस देश की जनता ने, इस देश के लोकतंत्र ने मोदी सरकार वहां से ले आए कि अब ये नीतीश बाबू का नाम देना पड़े, उस नौबत को लेके आया। तो ये देश की जनता, मैं देश की जनता को नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं, सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है, जो कि रोज आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो, या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा, आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।